गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सारा काम फिनिश हो चुका है। और सारा काम फिनिश करने के बाद बच्चों को मैंने थोड़ी थोड़ी सी मैगी बना के दी है, क्योंकि दोपहर का जो उनका लंच था ना, वो उन्होंने क्लास के बाद ही कर लिया था। 12:30 बजे एमी की क्लास ओवर होती है ना, उस समय उसको इतनी भूख लगी होती है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे एमी दूध और फ्रूट्स वगैरह ही लेता है। नोनो भी दूध लेती है, साथ में फ्रूट्स लेती है मॉर्निंग में। तो दोनों बच्चे आफ्टर क्लास अपना लंच करते, तो इस टाइम पे आके ना बच्चों को थोड़ी सी भूख फील होती है और लंच खाने का उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने उनके लिए मैगी बनाई। और उसके बाद सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मुझे यार बच्चों की ना कबट ठीक करनी है। ये देखिए, आजकल एमी खुद से अपने कपड़े निकालता है ना पहनने के लिए। उसको जैसे कई बार मैं बोल देती हूँ ना कि एमी अपने आप से कपड़े निकाल लो जो आपको पहनने, तो इस समय एमी ने ना अपनी कबट इतनी ज्यादा खराब की हुई है, तो दोनों बच्चों के कपड़े आ जाते हैं इसमें। तो इसको मुझे ठीक करना था मॉर्निंग में। तो यार आप लोग को पता है कि मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि कोई काम एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं मिलता है। उस समय एमी ने इतनी, जो कहते हैं ना, तहलका मचाया हुआ है ना कबर्ड में, तो इसमें एमी के और नोनो के दोनों के कपड़े, बाकी जो स्टील की अलमीरा है मेरी और आशु की, दोनों की अलग अलग है, उसमें हमारे कपड़े आते हैं, तो बच्चों की ये अलग हो गई है, क्योंकि विंटर में ना कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो चलिए मैं कपड़े सेट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करूंगी। और मौसम की क्या हालचाल है आप लोग बताना, यहाँ तो काफी ठंड सी हो गई है। फिलहाल अभी मॉर्निंग में मैंने आधी स्लीव्स की है पहन ली है अपनी जैकेट। बच्चों के सारे कपड़े मैंने अच्छे से इसमें लगा दिए हैं। वैसे तो मुझे पता है कि एमी अगर इसमें से अपने कपड़े ढूंढेगा ना, तो वो सारे कपड़े पहले जैसे कर देगा। ये कुछ कपड़े निकले हैं गर्मियों के, जो कि इसमें ही रखे हुए थे, लोअर वगैरह हैं बच्चों के। इसको मुझे उठा के रखना है अंदर, और काफी देर हो गई मुझे इसको करते करते। नोनो भी यहाँ पर बैठी हुई है। गुड आफ्टरनून नोनो। गुड आफ्टरनून। कैसे, बात तो कर लो, बहुत दिनों बाद आप मिल रहे हो। बहुत दिनों बाद मम्मा ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। कल तो आपको मैं मिला ही नहीं पाई, नोनो से बहुत ज्यादा बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि नोनो थोड़ा सा आजकल अपना, जब उसको स्पेयर टाइम मिलता है ना, तो वो या तो कुछ ना कुछ अपनी हॉबी कर रही होती है, या फिर ये है कि नोनो स्टडी कर रही होती है, क्योंकि उसके पेपर आने वाले अभी, और एमी के पहले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर नोनो के होंगे पेपर, मतलब टेस्ट होने वाले हैं। और नोनो कैसा लग रहा है आपको कि मम्मा ने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है? ऐसा लग रहा है हम वापस अपने रूटीन में आ गए। तो चलिए, अभी यहाँ का तो सारा काम हो चुका है, रूम भी मैंने मॉर्निंग में ही सेट कर दिया था, यहाँ स्टॉल रखा हुआ है, तो बस अभी चलते हैं नीचे। और नीचे चल के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, देखती हूँ एमी को। एमी नीचे खेल रहा है, पता नहीं टीवी देख रहा है, क्योंकि उसको ये रहता है कि क्लास ओवर होने के बाद ना उसको थोड़ी देर टीवी देखना रहता है, कार्टून। मैं भी मना नहीं करती हूँ, मैंने कहा छोड़ो यार, मॉर्निंग में उठते ही बच्चे स्टडी में लग जाते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लेगा। चलिए नीचे चलते देखते हैं एमी जी को भी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, या फिर गुड इवनिंग। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, अभी 6 बजने वाले। आप लोगों से मैं अभी मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, दोपहर में थोड़ी सी देर लेट गई थी, और देखो कितना अंधेरा हो रहा है, देखो अंधेरा हो चुका है, और बाहर पता नहीं किसी ने क्या जलाया है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और बस अभी शाम का टाइम है, खाने वाने में लगते हैं। और देखो दिवाली के टाइम ना मैंने अपने डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं उसके लिए ये कवर मंगवाए थे, बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, बताना कि कैसा लग रहा है। वैसे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रिंट है इनका, और जो हमारा पीछे वॉल वगैरह का कलर है ना, और मेरे कर्टन्स का जो कलर है, उससे काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दी आपने अपने डाइनिंग चेयर के लिए न्यू कवर लिए है क्या, दिखाना ज़रूर। तो मैं आप लोग को एक मिनट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कवर जो है ना, ये मैंने मंगवाए हैं,
अपनी डाइनिंग टेबल चेयर के लिए, और इनका प्रिंट ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने ना ये चेयर को थोड़ा सा हमने इसमें नया ना इसका सीट वगैरह चेंज करवाया था, और बच्चे हैं देखिए तो स्टेन्स वगैरह का डर रहता है, तो इस वजह से ना मैंने ये डाइनिंग टेबल चेयर के लिए इस तरीके के, ये देखिए ये काफ़ी अच्छे साइज़ में खुल जाते हैं, तो ये मैंने मंगवाए हैं अमेज़ॉन से। आप अगर मांगेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और काफ़ी अच्छे हैं, और हमारे कर्टन वगैरह के कलर से ना काफ़ी अच्छे से ये मैच कर रहे हैं। तो ये मैंने दिवाली के टाइम पे शॉपिंग की थी, क्योंकि व्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था कोई भी, इसलिए आप लोग को कुछ भी शॉपिंग आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, इनका कलर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत प्यारे लगते हैं ये ना। देख बाहर खेल रहा होगा, बुला के लाओ, कहना अब थोड़ा सा लर्निंग वर्क कर लो, जाओ। तो चलिए किचन में चलते हैं, थोड़ा खाने पीने का देख लेते हैं। और आज मैंने ना दोपहर के टाइम पे कुलद की दाल जो है ना वो भिगो दी थी, तो यहाँ ना मैंने दाल को डाल दिया है कुकर में, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसको बॉईल कर लेती हूँ। और काफी सारी सीटियां इसमें लगी थी, क्योंकि मैंने ना रात में इसको भिगो के नहीं रखा था, मॉर्निंग में ही मैंने दोपहर के टाइम पे भिगो दिया था। तो अभी बस मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और ऑयल डाल के ना इसको मैं लगवा दूंगी काफी सारी विसल, और उसके बाद लगूंगी इसकी तड़के की तैयारी में, साथ साथ में आटा गूंदूंगी। और यही हमारा आज का सिंपल सा डिनर है, तोर और कुल्थी की दाल साथ में रोटी। और किस किस को कुल्थी की दाल पसंद है मैं सब जरूर शेयर करना, मुझे काफी अच्छी लगती है, मुझसे ज्यादा ना आशु को अच्छी लगती है। तो हल्दी अभी फिलहाल खत्म हो चुकी है मेरे इसमें मसालेदारी में, तो लेके आती हूँ हल्दी, इसमें हल्दी डाल देती हूँ, और लगा देते हैं इसको सीटी। यहाँ ना दाल को भी सीटी लग रही है, साथ साथ में ना मैंने आटा गूंद के रख लिया है, और पीछे देखो वो देखो सिंक में रखे हुए बर्तन, तो इन बर्तन को मैं अभी कर लूंगी, नहीं तो फिर ना खाने के भी हो जाएंगे और बहुत सारे फिर बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ तो देखिए खुद ही करने हैं, यहाँ कोई मेड आने वाली नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं बर्तन और अपना थोड़ा सा काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद बस फिर मैं दाल को तड़का लगाऊंगी और बना लूंगी गर्मा गर्म रोटी। से बॉईल हो चुकी है, तो यहाँ मैंने तड़का जो है ना वो चॉपर में चॉप कर लिया है, लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च और अदरक, इसका मैं तड़का लगाने वाली हूँ। दाल बॉईल हो चुकी है, बहुत देर लगी यार बॉईल होने में, क्योंकि इसको मैंने ना दोपहर में ही भिगोया था, और मैं ना गर्म पानी में भी भिगोना भूल गई थी, तो काफी देर लगी है। और साथ में मैंने सैलेड काट के रख लिया है, और बस अभी ना रोटी सेकूंगी, मेरी जो आटा है ना मैंने पहले ही गूंद लिया था, तो चलिए दाल में फटाफट से तड़का लगा लेते हैं और रोटी सेक लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो फटाफट से इसको तड़का लगा लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा हींग, और इसके भुनते ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ प्याज लहसुन टमाटर और हरी मिर्च, और चॉपर में चॉप किए हुए मसाले का ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और साथ ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसके अलावा कोई भी मसाला इसमें नहीं डाल रही हूँ, और हल्दी और नमक मैंने बॉइल करते वक्त डाल दिया था। तो मसाले भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी है दाल, और ऊपर से डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि सर्दियों में हम कोई भी दाल सब्जी बनाते हैं ना, तो बिना धनिये के उसकी रंगत और स्वाद दोनों ही फीके होते हैं,
तो यहाँ देखिए दाल देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी यम्मी बनी है, और सच में ये दाल बहुत अच्छी लगती है और सर्दियों में फायदा भी करती है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, यम्मी यम्मी सिंपल स्पेशल विंटर डिनर कर लीजिए। तोर कुल्थी की दाल, साथ में चपाती, और काट लिया है मैंने मूली का और खीरे का सलाद। तो आप लोग भी आइए, साथ में बैठ के करते हैं डिनर। खाना वगैरह हमारा सब हो चुका है, अभी सारा काम भी फिनिश हो चुका है। देखो किचन एकदम क्लीन हो चुकी है और सब काम फिनिश हो चुका है। ये कर लिया है यहाँ पर बच्चों के लिए, आशु के लिए दूध, और ये रही मेरी गर्मा गर्म कॉफी। और देखो कितनी झागदार कॉफी बनी है। सर्दियों के टाइम पे ना मुझे कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद है, और रात के टाइम तो ना बहुत अच्छी लगती है मेरे को कॉफी। और देखो कितनी अच्छी बढ़िया एकदम क्रीमी झागदार कॉफी बनी है, काफी स्ट्रांग है। तो सब लोग लेंगे दूध और मैं लूंगी कॉफी, तो आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ ये यमी यमी कॉफी पी लीजिए। और काश मैं आप लोग को टेस्ट करा सकती, बहुत अच्छी कॉफी बनती है। थोड़ा सा फेंटने में मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद जो कॉफी बन के तैयार होती है ना, मजा आ जाता है यार। और सर्दियों में कॉफी पीने का ना मजा ही कुछ और होता है। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? देखो टाइम हो रहा है अभी 10:12 का। सारा काम हो चुका है। सारा काम क्या, वैसे काफी देर पहले मैं फ्री हो गई थी, फ्री होके मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में ताकि आप लोगों से आराम से बैठ के बात कर सकूँ। दोनों बच्चे पापा के साथ हैं नीचे, बच्चे जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, और हमारा यूजुअली खाना खाने का जो समय है ना वो बहुत अर्ली होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मैं डिनर का काम ना हद से हद 8:30 तक बिल्कुल मैं फ्री हो जाती हूँ डिनर वगैरह के काम से। तो हम लोगों ने 8 करीब खाना खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को आशु को दूध बना करके दिया, अपने लिए मैंने कॉफी बनाई थी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी कॉफी फिनिश की है। और अभी सर्दियां आ गई है ना, तो मुझे सर्दियों में कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद है। तो बस रूम में आके मैंने थोड़ा बहुत रूम को समेटा, क्योंकि देखिए अभी आपको बिल्कुल सेट लग रहा है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है। घर का कोई भी कोना हमारा हमेशा इतना सेट नहीं रहता है, क्योंकि जिस भी घर में बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जहाँ भी बैठेंगे स्टडी करें या फिर खेलें कुछ भी करें, तो बच्चे थोड़ा सा मैसी कर देते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं थोड़ा बहुत घर को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि देखिए फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता है, और बच्चों को भी आप कब तक मना करेंगे, तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बच्चे थोड़ा बहुत फैलाते रहते और मैं समेटती रहती हूँ। तो बस खाना वगैरह का सारा काम करने के बाद मैं काफी देर पहले रूम में आ गई थी। आके मैंने थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, उनकी फटाफट से तह लगाई है, क्योंकि यार शाम को ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, नहीं तो मैं शाम के टाइम पे ही तह लगा लेती हूँ। तो बस कपड़ों की मैंने तह लगाई, रूम को थोड़ा सा मैंने ठीक किया, उसके बाद बैठ गई हूँ कैमरा लेके आप लोगों से बात करने के लिए। और देखो यार मेरा ये वाला पिंपल कितना बड़ा हो गया है आजकल, ये वाला जो मेरा पिंपल है ना, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। मैंने थोड़ी सी मेडिसिन भी वैसे लगाई है, तो ये जल्दी सूख जाएगा। बाकी पूरे फेस पे कई पिंपल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कॉर्नर पे है ना, तो एकदम विजिबल होता है कैमरे पे। अच्छा भी नहीं लग रहा है यार, कल से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो कल से देखो कितना बड़ा पिंपल निकल गया फेस पे। ये सबसे पहले चला आया है आप लोगों से मिलने के लिए, इसने बोला कि नवनीत तुम जा रही हो व्लॉगिंग कर रही हो, सबसे मिलने जा रही हो, आप तुम्हारे साथ में हम भी जरूर आएंगे। तो देखो जी ये भी मिलने आ गया आप लोगों से। तो बस अभी फुर्सत होके बैठी हूँ, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि अच्छा लगता है बात करके, वीडियो को एंड करो ना तो अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। फिलहाल मुझे अब इजाजत दीजिए, ताकि इस व्लॉग को मैं अभी बैठ के एडिट करूँ आप लोग के लिए और कल आप लोगों से मिलने आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, गुड नाइट।